अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एनिमल पॉइंट बीक ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक तरह से बनाने जा रहे हैं ज़रा सैली अपडेट के हवाले से, और क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि नुमान भाई यार गर्मियों की तरतीब क्या है, यार गर्मियों में किस तरतीब के ऊपर आप जो है वो वंडा वगैरह लगाते हैं। तो आज की वीडियो में वो आपको तो ये पता चलेगा कि इस टाइम हमारे फार्म के ऊपर अभी गर्मियों की तरतीब क्या है, और असल में ये सैली का टाइम है। और रमज़ान से पहले पहले हम लोग ने तो ये सेटिंग कर दी थी कि जो सुबह का जो वंडा है वो लगेगा फजर के टाइम पर, ऐसे ही कादर भाई, ठीक है, 4 बजे, ठीक है ना। अभी समझो कि कुछ 4 से कुछ ऊपर टाइम हो गया, और माशाल्लाह से कादर महीना भी जो है तो वो वंडा भी रेडी कर दिया है। और अभी इस टाइम के ऊपर जो सारा जो माल है वो अभी बैठा हुआ है। अच्छा, अभी नीचे थोड़ी गंदगी वो यूँ है क्योंकि रात गज के जो गोबर किया हुआ है तो वो अभी मौजूद है। तो जैसे ही वंडा लगने के बाद कादर भाई जो काम जो करवाते हैं तो वो करा दें सफाई वाला, सी कादर भाई, ठीक है भाई। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको तो ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो जस्ट एक अभी समझो कि पानी मेरी पी लिया, सहरी मैंने बाहर ही कर ली थी मैंने, और ये है कि अब यहाँ पे आया हूँ, समझो कि रोज़ा यहीं पे ही हो जाएगा, बन जाएगा ड्यूरिंग दी वीडियो। इंशाल्लाह लजीज अपडेट आपको दिखानी है सहरी की, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है कादिर भाई, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा कादिर भाई, जरा ऊंचा बोलना पड़ता है, लोग कहते हैं कि ना कादिर भाई की यार आवाज़ कम आती है। अच्छा हाँ, तो खैरियत से कादिर भाई? शुक्र अल्लाह का, आप बताओ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। नींद पूरी हो गई कादिर भाई जी? नींद पूरी कर ली माशाल्लाह से। अच्छा वंडा लगाना चाहिए, यार देखें माशाल्लाह से, देखें यार कादिर भाई का तो है चार भाई के ऊपर, ये देखें यार ये नेट वेट वाली कहानी की भी है, ये देखें जरा, ये चेक करें जरा यहाँ पे कादिर भाई, यहाँ पे ये। अच्छा अभी हमने कादिर भाई से ये रिक्वेस्ट की हुई है कि भाई एक चार भाई फिलहाल वक्ती तौर के ऊपर जरा वहाँ लगा लें इस तरफ, और एक चार भाई लगे कि यहाँ लगे कि आगे दोनों तरफ की हमारी जो है हिफाजत वैसे पूछ रहे हैं कवर हो जाएगा, ठीक है कादिर भाई। तो जरा वनडे की रिपोर्ट जरा दिखाएं जरा, आए जरा। हाँ तो अभी ये है कि ये, अच्छा कादिर भाई अभी वनडे का जो एक ही ड्रामा अभी चल रहा है ना ये वाला पूरा, अच्छा अच्छा ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें अभी कादिर भाई ने जो है वो वंडा वगैरह वो तमाम है तो वो फैला दी है माशाल्लाह से। अभी जो है चोकर की बुरी कादिर भाई डलेगी, अच्छा चोकर डाल दें माशाल्लाह से, देखें जरा पूरा वंडा फैलाया हुआ है, मैं जरा पीछे हटूंगा तो वो आपको जरा नजर आएगा। और इससे अच्छी बात यह है कि भाइयों फार्म के ऊपर लाइटिंग की भी सेटिंग कर ली है, देखें जरा यहाँ पे लाइट की सेटिंग कर ली है। उस शेड में वो है कि लाइट हुई भी तो ज़रूर है लेकिन लेंथ ज़्यादा है तो वो थोड़ी सी रोशनी कम है, और कुछ लाइटें वही कभी ज़रा बंद की हुई हैं माशाल्लाह से। देखें भाई कादिर भाई ने जो है वो चोकर अपना पूरा कर दिया है, अभी छिड़काव करेंगे कादिर भाई इंशाल्लाह लजीज। फिर वनडे के ऊपर यहाँ पे माशाल्लाह से कम अज़ीम मेरे हिसाब से कि यहाँ पे 100 माल का वंडा बन सकते कादिर भाई हैं। ये देखें भाई माशाल्लाह से इस टाइम जो है ये अभी चोकर जा रही है, हम थोड़ा सा असल में सैरी करने जरा थोड़ा सा लेट हो गए थे, कादिर भाई ने जो है तो वो वंडा भी बना दिया था, वरना कादिर भाई को बताते ज़रूर। तो ये क्या वंडे के टाइम के ऊपर हम जरा पहुँचे भी होते हैं तो कोई इतना कोई खास मसला नहीं है। इस टाइम के ऊपर कादिर भाई ने ये है बराबर लेयर लगा रहे हैं ज़रा इसकी चोकर की ज़बरदस्त। ये देखें अब यहाँ आ गए, अब यहाँ से अभी थोड़ा सा खिसकना पड़ेगा। तो ये है कि भाई ये चोकर से पूरी पूरी कोटिंग हो गई है भाई इसकी। चोकर में बेसिकली होता है ये होता है फाइबर होता है ना, तो इससे जानवर की ग्रोथ में तो कोई ख़ास वो नहीं आता लेकिन हाँ हाजमे वगैरह के लिए इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छा सीन रहता है। ये देखें भाई पूरा पूरा कवर कर दिया खुला रच के, अभी हमने कहा कि भाई वनडे के ऊपर कादिर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज इंशाल्लाह इस फार्म के वो जो आए ना तो आज इंशाल्लाह कुछ ज़रा काम हम सीधे करवाने। कादिर भाई ने जो है वो उस वाले जो शेड के ऊपर ना रेड ऑक्साइड लेके आया हुआ था मैं, तो वहाँ पे रेड ऑक्साइड कर दिया माशाल्लाह से अल्लाह के फजल करम से। अच्छा कादिर भाई, अच्छा ये चोकर अब आप इसको रख देंगे ना, अच्छा बाकी अभी ये क्या है अटी या राइस पॉलिश है ये कादिर भाई? राइस पॉलिश, हाँ राइस पॉलिश है ये माशाल्लाह से। ये देखें जरा ये कादिर भाई ने आपको दिखा भी रहे हैं, क्वालिटी आपको दिखाते हैं जरा, सैंपल दिखा देते हैं कादिर भाई जो है वो अभी इसके बाद आप, है ये दबर से है, चावल में निकलती है, चावल में निकलती है, बहुत चावल है इसमें, इसमें चावल कितने कादिर भाई देखें जरा, है ना इसमें बहुत चावल है, दिखाएं जरा चावल दिखाएं, ये देखें जरा माशाल्लाह माशाल्लाह से। हाँ कादिर भाई फांगे दिखाएं जरा, मैं असल में अब ये, हाँ ये देखें साफ, मतलब कि आप खुद भी खा सकते हैं, क्यों कादिर भाई खा सकते हैं, बहुत अच्छी है, अच्छी है ना, जबरदस्त हो गया। देखें जरा अब ये क्या, अब ये कादिर भाई जरा लगाएं जरा अपने हिसाब से, आप बैठ जाएं जरा, बैठ के आप जरा राइस पॉलिश के जरा छिड़काव मारें जरा। ये देखें माशाल्लाह से अब यार राइस पॉलिश आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा भाई जो लोग भी 2022 या 23 के लिए भी जानवर अगर
पढ़ाई के लिए बुकिंग के ऊपर करवाना चाहते हैं तो वो लोग नंबर के ऊपर रब्ता कर लिएगा भाई। ठीक है, 23 की अभी ज़रा थोड़ी कोशिश है कि भाई 23 के जो लोग जानवर दे भी अल्हम्दुलिल्लाह से अभी कुछ बुकिंग्स अभी हुई हुई हैं, इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज न्यू एंट्रीज भी अभी होने जा रही है फार्म के ऊपर। ठीक है, वो भी वो एक आपको दिखाएंगे। 23 की अगर एंट्रीज हों तो तभी मोस्ट वेलकम है, 22 की हों तो वो तभी मसला नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई शौक हो तो वो पूरे साल का हो। ठीक है, तो वो मज़ा भी आता है। और बाकी ये है कि कुछ जानवर अपने भी पास खड़े हैं फॉर सेल वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अगर मैं बोलूँ तो 2.5 लाख रुपये से स्टार्ट हैं और एक ऑनवर्ड ये हैं कि वो 3 लाख प्लस के ऊपर कुछ जा रहे हैं। ठीक है ना, तो बाकी ये कि इंशाल्लाह लजीज़ के आपको ज़रा जो जानवर वो अभी दिखाएंगे कुछ ज़रा सिर्फ पानी की जो है वो जो मोटर है वो थोड़ा सा उसके कहीं लीकेज है, तो इंशाल्लाह जैसे ही वो पूरी होगी तो ज़रा जानवर अभी नहाएंगे धोएंगे तो इंशाल्लाह जो उसका जो शूट है वो हम एक ज़रा करेंगे इसका। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें भी मंडी की लेयर बाय लेयर बेहतरीन करके, ये देखें ज़रा चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह सर, आपको दिखाते हैं जो जगह जो साफ़ हो गई है। हमारी कोशिश ये होती है कि यार देखें यार पलाई वाला माल है, लोगों की होती अमानत होती है। हमारा पलाई का मेन मकसद क्या है कि एक अच्छा माहौल देना, टाइम के ऊपर वैक्सीनेशन वो करना, एक अच्छा तैयार करना और अपने जो हैं जो भी देखने वाले हैं या जो एक हमारे पास जो जानवर जो देते हैं ताकि एक उनकी हिफाजत, तो एक हमारी वो एक होती जवाबदारी होती है, तो इसको एक अच्छे तरीके से मतलब कि निभाना, ये एक हमारा वो एक असल मोटिव है, ये एक असल एक हमारा वो असूल है। ठीक है ना बेटा, आगे लेके जाओ, ये देखें ज़रा माशाल्लाह माशाल्लाह से। खैर माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई जो है कादर भाई जो है तो वो टोकरियाँ करवा रहे हैं, लोडिंग की सेटिंग बनवा रहे हैं, साथ साथ ये एक वीडियो के जो हैं वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ज़रा वीडियोग्राफी के देखना ज़रा, ये लाइट वेट लगाई हुई कादर भाई ने लगाई हुई है, देखें ज़रा ये दो टोकरियाँ और तीसरी टोकरी, कादर भाई आराम से आ जाएंगी इसके ऊपर, मसला नहीं गिरती फिरती तो नहीं है इसमें? नहीं। अच्छा बच्चा सीख रहे हैं माशाल्लाह से काम? हाँ, बच्चा पूरा सीख रहा। क्या उम्र क्या है यार, बच्चा लगता तो नहीं है ये? अच्छा बालों पर केमिकल लगा, सफाई तो कभी जा रही है। अच्छा चलो 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 आ जाओ सर, कादर भी आना पड़ेगा सर साथ साथ, आपको ज़रा लाइट लेके आना पड़ेगा साथ साथ। चलें भाई अब इस टाइम जो है वो वंडा जा रहा है, आ जाओ कादर भाई ज़रा साथ साथ चलना ज़रा यार। हाँ चलिए दोस्तों, खैर मछलियाँ अच्छा लगा दी थी, अभी ये है कि अभी दूसरी टोकरी जो है वो इन दोनों माल को बड़े बछोड़े हैं ना माशाल्लाह से, डाइट मछे हैं खुराक मछे हैं माशाल्लाह से। बेटा लगाने के बाद ज़रा फैला देना ज़रा, हाँ थोड़ा हाथ में मार दे, हालांकि जब तक ये बस माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें भाई दोनों की लपक माशाल्लाह से बहुत एक अच्छी है माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा देखें यार। ठीक है, अब ये है कि भाई इन दो को लगा दिए, इन दो बच्चों को भी लगा दिए। ठीक है, ज़रा यहाँ भी लगाएगा ज़रा लाइट लगा देगा माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें ज़रा आए आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहाँ कहते हुए लाइट लगाओ ज़रा। बेटा आगे करो वहाँ से, आगे करो उसके, ज़रा आगे करो थोड़ा सा, हाँ उसके पास करो, दूसरे बच्चे के पास करो, बस 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 ठीक हो गया, ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। ठीक है भाई, दोनों बच्चे जो हैं तो वो शादी करने कहते हुए ज़रा लाइट अब ज़रा घुमाएं, ज़रा आ जाएँ ज़रा साथ साथ ही आए हैं ना ज़रा, हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि चलो यार कादर भाई को भी ज़रा सिखा ही देना। चलो यार आगे जो है इंशाल्लाह इसके इनसे भी रिकॉर्डिंग वगैरह वीडियोस वगैरह न्यू एंट्रीज की तो वो बनवा लिया करेंगे इंशाल्लाह। हाँ बेटा अभी ये ट्रॉली खैर अभी ये जा रही है बाकी और माशाल्लाह से मालूम को। अच्छा भाई देखें ज़रा माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई ये हमारे पास रुस्तम आ गया भाई, ये रुस्तम का लग गया है और ये हमारे पास जो है विलायती है। ठीक है, ये इनका जो है वो वंडा माशाल्लाह माशाल्लाह से लग चुका है, ये देखिएगा ज़रूर माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें ज़रा भाई मतलब की चीज़ें निकाल रहा भी उसमें से है, मिठाइयाँ निकाल रहा है कादर भी उसमें से हैं, हैं मिठाइयाँ निकाल रहा है उसमें से, मतलब की चीज़ निकाल रहा है, नखरे कर रहा है इसमें से, अभी खल वगैरह ढूंढ रहे हैं, मतलब की चीज़ निकाल रहा है भैया। चलें भाई आगे चलें कादर भाई, आगे लाइट लगाते हैं ज़रा, लाइट लगाते जाए बच्चों पर ज़रा माशाल्लाह माशाल्लाह से दिखाते हुए जाएँ ज़रा भैया। आगे की बैठ अगली जो है वो टोकरियाँ जो पड़ गई हैं माशाल्लाह से टाइगर को, इसका नाम कहते हैं टाइगर नाम है, वो है क्लाउड है। ठीक है ना, क्लाउड है, क्लाउड क्या है, क्लाउड क्लाउड डोनी, क्लाउड है एक मिनट यहाँ तो आए जरा, हाँ इधर आए सामने तो आए कादिर भाई, इसमें एक है टाइगर है, ये वाला टाइगर है, ये टाइगर वो क्लाउड क्लाउड, हाँ क्लाउड डोनी क्यों कर रहे थे, हैं क्लाउड क्लाउड है क्लाउड क्लाउड यू कर रहे हैं। अच्छा भाई माशाल्लाह से खैर देखें ज़रा इन दो बच्चों को जो है वो एक टोकरी लगा दी कादर भाई, एक टोकरी लगा माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें भाई इन दो बच्चों को लगा माशाल्लाह से, इसने भी यार बहुत एक टाइगर ने बहुत एक अच्छी वो दी है प्रोग्रेस दिखाई, एक वो की दिखाई है एक अल्लाह के फजल करम से यार इसकी भी, हाँ लीटर की। अच्छा कि 5 किलो की टोकरी है कादर भाई, 25 किलो की, पक्की बात है
25 किलो की या मेरे पास पड़ा हुआ वो टोकरी वाला वजन वाला है। अच्छा अरे माशाल्लाह माशाल्लाह से इसने, खैर माशाल्लाह से इसके जो मैंने नोट किया ना, इसने मेरी लेंथ ज़रा बढ़ाई है, ठीक है ना। और ये है कि ये क्लाउड और जो टाइगर हैं, ये समझो कि ऑलमोस्ट के हम उम्र हम वजन तो खैर नहीं कहूँगा, ज़रा थोड़ा सा कुछ वो फ़र्क है, 17-20 का फ़र्क है। लेकिन ये है कि एक डाइट है काला गोला, और अपने पास ये जो अपने पास जो रांझा है ये सेम वो है हम वजन के माशाल्लाह से। तो इसको जो है वो अल्लाह वाला करे, अल्लाह के फजल करम से इसको जो है वो सेम जो वंडा है तो वो चला रहे हैं ना। अच्छा भाई दोस्तों, खैर अब बारी आ गई काला गोला की आ गई है, और बारी आ गई अपने रांझा की माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये देखें ज़रा भाई जो है वो टोकरी एक इनको लग चुकी है भाई। अच्छा भाई दोस्तों, इस टाइम जो है वो वंडे वाली जगह की अभी पोजिशन वो आपको दिखा देते हैं माशाल्लाह से। काफ़ी हद तक जो है वो वंडा ठीक है वो अभी जा चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह से। देखें ज़रा भाई ठीक है, ये दो अभी गई हैं टोकरियाँ जा रही हैं भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई ठीक है जी। ये तीसरी टोकरी अभी ज़रा बच्चा तो ज़रा बना रहा है ठीक है। अब ये ज़रा बच्चे वाला पोर्शन है, बच्चे वाला पोर्शन ज़रा रेडी होगा तो इंशाल्लाह ये है कि तो फिर वहाँ जाएंगे बच्चे वाली सेटिंग के ऊपर साइड पर जाएंगे इंशाल्लाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से। खैर अभी आगे और अभी मज़ीद जा रहे हैं भाई, बच्चे वाले खाते में आ चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई। ये अभी जो हैं ये दो जो हैं वो टोकरियाँ, एक टोकरी अभी उठा के लगा देगा भैया कहाँ पर, खूबसूरत के पास। और खूबसूरत की यह है एक और जोड़ीदार जो आई हुई है इसके माशाल्लाह से, ये भी न्यू एंट्री थी माशाल्लाह से ठीक है इंशाल्लाह। इसके अब ज़रा मैं एक जो है ना पुराने वाली फार्म की अनलोडिंग की जो वीडियोज़ है ना तो वो मैं एक ज़रा कम्प्लीट कम्बाइल बना लूँगा मैं इंशाल्लाह के, फिर आप वो देखिएगा माशाल्लाह से। देखें ज़रा जानवरों की जो भूख है, जो जाल है, मुँह मारने की जो सेटिंग है वो एक आप लोगों के सामने है माशाल्लाह से। ये देखें ज़रा ये दो जो गाय जो हैं यहीं थी अपने पास ठीक है माशाल्लाह से, एक ये आई भी। अच्छा देखें भी माशाल्लाह से भाई हमारे पास जो दूध वाली की जो गायें हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई, एक उनको भी टोकरी लगा दी है, पूरी टोकरी लगाई है भाई कि ताकि रच के खाएँ दूध वूध अपना बढ़ाएँ माशाल्लाह से। इसने भी अभी दूध पी लिया है, उसने भी अभी दूध पी लिया है ठीक है। वो ज़रा एक आगे जाएंगे पास इंशाल्लाह आपको दिखाएँगे ठीक है। अब आगे आते हैं भाई, अब लगाए गया भैया ये इस बड़ी वाली बच्चे को लगाओगे किसको लगाओगे अभी? हाँ अच्छा 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 वहाँ लगाओगे, चलो सही है हो गया। धनी एक्सप्रेस आ गई है और लाली आ गई है लाल ठीक है ना। अच्छा भाई दोस्तों, खैर मोनी मोमो के बाद हमारे पास लगी कैडबी को लग गया, कैडबी के ब्रावली को लग गया, हमारे पास लग गया अपना क्या नाम कोको को लग गया है भाई ठीक है। कोको भी हमारे पास 2023 की है, फॉर सेल की है माशाल्लाह से, चेक कीजिएगा। और खैर जिन भी भाई को अगर पहले ही समझ में आ जाए तो वो ठीक है वैसे भी रब्ता कर सकते हैं, वरना सीज़न के बाद इंशाल्लाह है। अब हमारे पास ये सात हैं, ये तीन एक ही साइज़ की हैं तो इनको जो है वो माशाल्लाह लग गया भाई। लैला हमारे पास आ गई है माशाल्लाह से, चेक करें ज़रा। अरे माशाल्लाह ये हमारे पास ये हैं इंशाल्लाह ये आगे जाके जो फार्म की जो शान बनेगी इंशाल्लाह। ये दोनों जो हैं वो बच्चियाँ हमारे पास, इनका नाम इंशाल्लाह ज़रा सोचेंगे ज़रा एक अच्छा फुर्सत में तो वो रखेंगे ज़रूर ठीक है कादिर भाई। अच्छा भाई दोस्तों, खैर जो है वो तमाम जो है जानवर को सैरी के बाद वंडा लगा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये तो खैर ये मैं बोलता हूँ बार बार हूँ, लेकिन ये है कि लाइक से अंदाज़ा हो जाता है कि यार ज़्यादा आप लोग पसंद नहीं कर रहे, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में किस नेक्स्ट पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।